हेलो एवरीवन, हाय, मैं हूँ रुशाली और आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। तो सबसे पहले हम लोग रेसिपीज़ की ओर ध्यान देते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 4 टेबल स्पून घी देंगे और पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई करने के बाद हम लोग उसी ऑयल में 2 टेबल स्पून बटर देंगे और साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और बेलीव, और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद हम लोग गार्लिक और जिंजर का पेस्ट देंगे 1 टीस्पून, और उसे गरम होने के बाद फिर हम लोग 2 अनियंस चॉप करके रखे थे उसे डाल देंगे। उसको डालने के बाद उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 मिनट्स तक। फिर उसके बाद मैंने टमेटो प्योरी रखा था 1 टमेटो का, उसे भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। फिर हम लोग इसमें बेसिक्स मसाले डालेंगे, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें 1 टीस्पून मेथी लीव्स डालेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम लोग हल्दी पाउडर भी डालेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद फिर हम लोग सॉल्ट स्वाद अनुसार देंगे और शुगर थोड़ा सा देंगे, और उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि थोड़ा ऑयल छोड़ने ना लगे। फ्राई होने के बाद इसे अच्छे से खुशबू आने तक भुने। फिर उसके बाद इसमें गरम पानी मिलाएं, हल्का ही मिलाना है, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। और फिर जो पनीर था उसे डाल देना है। उसे डालने के बाद इसे 10 मिनट्स तक बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद अब रेडी हो गया ढाबा स्टाइल पनीर। थैंक यू एवरीवन।